ओए, हैप्पी बर्थडे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों आज है कुछ क्या है, दीदी का बर्थडे है। हाँ हाँ हाँ, अदिति ऐसी घूम रही चंपू बनी, क्या सीन है। और लग ही रहा है कि इसका बर्थडे, ये देखिए पीछे सिखा बैठी है, आदत से बैठा है। और ये लोग पता नहीं क्या देख रहे हैं मोबाइल में, आज भी घुसे ही पड़े हैं। तो क्या करें भाई, रील देख रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने की, और भाई काफी मस्त ब्लॉग होने वाला है क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। और जल्दी जल्दी विश कर दो जिसने विश नहीं किया है, और फटाफट से बहुत सारी कमेंट आ जाएगी। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और ये है मेरे कपड़े भाई, ये पहन लूंगी। तब तक अभी मैं नहाने जा रही हूँ, और नहाने के बाद मैं आती हूँ, फिर हम लोग रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं घर से कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। और आज आपको काफी मजा आएगा क्योंकि आज हम आपको एक न्यू जगह ले जाने वाले हैं जहाँ पे हम कभी नहीं गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अभी नहा के, और फ्री होके निकलते हैं बाहर। तो गाइज मैं नहा कर आ चुकी हूँ, और देखिए इस तरीके से मेरे बाल में देखिए ऐसे मार निकला है कि बेकार शक्ल लग रही है। और देखिए ये वाला मैं स्वेटर पहनने वाली हूँ, ये हम कपड़े उस दिन शॉपिंग करके आए थे, और शायद इसके नीचे ये वाली जींस पहनूँ, अगर ये सही लगेगी नहीं तो चेंज कर लूँगी, देखती हूँ पहन के। और स्वाति ने मुझे, मतलब सिखा ने, जो हमारी मलाइका मैम है, उन्होंने मुझे एक सरप्राइज़ दिया है, जो मुझे गिफ्ट दिया है बर्थडे का, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि आखिर उसने मुझे क्या दिया है। तो फ्रेंड देख सकते हो सिखा ने मुझे क्या दिया है, अभी देखिए डिब्बा खोल रही है, देखो भाई देखिए ये शूज दिए इसने मुझे आज गिफ्ट में। और देख दिए, बस मैंने गिफ्ट किया और कुछ नहीं। हाँ देखो पसंद की चीज देते हुए सही लगती है। तो देख सकते हो ये वाले शूज दिए, और अभी मैं इनको पहनूंगी भाई, देख सकते हो ये हमारा जूता। जरूर बताएंगे कैसे लग रहे हैं। जूता भाई बढ़िया लगा मुझे, इसीलिए मैंने ये ऑनलाइन परचेज किया है, चाहे तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो आपने कहा कि मतलब उन्होंने गिफ्ट किया है, क्या नहीं, मैंने परचेज किया। हाँ तो परचेज ही हुआ है कोई। ये देखो कैसे नंगा ज्यादा बोल रहा है, चल हट। पैसे मेरे पर पसंद तो नहीं किए। देख सकते हो ये जूते हमें मिल चुके हैं, अभी हम रेडी होते हैं। ये मैंने कपड़े आपको दिखा दिए, और ये वाले जूते पहन के जाएंगे। तो चलिए रेडी हो जाते हैं जल्दी से, फिर आपसे मिलते हैं। तुझे रेडी नहीं होना आलसी कहीं की, पता है मेरे आज थोड़ा भाई तबीयत खराब है। तो चलो रेडी होते हैं, तबीयत खराब हो कुछ भी हो तब भी रेडी होना है। और हमारे आदित्य भाई देखिए रेडी होने के लिए बिल्कुल रेडी है ही, वो तो ऐसे ही मुंह धुल के चला आया है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो चुके हैं, ये देखिए हमारा आदित्य, देखिए ये पर्स लेके जा रहा है, देखो भाई। और देखिए ये सिखा इधर को आना, पर्स नहीं लग रही बिल्कुल भी, वैसे पूरे ब्लॉग में दिखना ही है भाई। तो देखो ये रेडी हो चुकी है, हम लोग निकल रहे हैं। हाँ देखो अब क्लियर दिखी है, काले लग रहे हैं। तो चलिए अभी बाहर चलते हैं और पकड़ते हैं ऑटो, क्योंकि ऑटो से जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, और कहाँ जाते हैं वो आपको दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहो, बस चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स हमने अपना प्लान चेंज कर लिया, और देखिए हम जा रहे हैं स्कूटी से, और आदित्य चला लेगा या मैं चला लूंगा, कोई भी चला लेगा। और चलते हैं फटाफट इधर से निकलते हैं। और देखिए सिखा भाई, सिखा बहुत दूर दूर भाग रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाग लेंगे देखो। और चलते हैं, चलिए स्कूटी निकालते हैं और यहीं से निकलते हैं। जहाँ हमें आना था हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं, और मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। ये है बरेली का फेमस दरबार खास, जहाँ पे भाई आपको काफ़ी अच्छा मतलब रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें खाने के लिए मिल जाती है। देखिए सिखा है, और हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमने सोचा अलग जगह चलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ठीक है। करना है इसके अंदर एंट्री, और भाई काफी अच्छा लग रहा है अंदर साइड में, देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ का भाई एरिया है। आजा आजा बेटा आजा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का भाई किस तरीके से ये बना हुआ है, काफी अच्छे तरीके से इन्होंने इसे क्रिएट किया है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। कर चुकी है, हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। और इधर देखिए, इधर भी आप लोग बैठ सकते हो, यहाँ पर देखिए सोफे वगैरह पड़े हैं। तो हमने सोचा आज नई जगह चलते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं अंदर, ये देखिए
ये देखिए बैठी है भाई शिखा, ये क्या दस्त है। शांति शांति। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सब कैबिन बने हुए हैं। आप लोग देखो फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हो और देखो इस तरीके से आप लोग, आपको यहाँ पे चार पांच लोग आराम से बैठ सकते हो। इधर बड़ा भी है, आप चाहो तो किसी भी तरीके से यहाँ पे बैठ सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर देखिए ये बड़े सोफे हैं कुछ, और इधर साइड पे देखिए छोटे वाले हैं। तो इधर चार लोग बैठ सकते हैं, इधर छह सात आठ भी बैठ सकते हैं। आठ के लिए ये देखो, ये आठ के लिए, आठ के लिए काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आगे, क्योंकि एक अलग लोकेशन पे आया। आप लोग ने मुझे वैसे देखा होगा हर जगह, तो यहाँ पर ये बंद जगह है और काफी अच्छी भी लग रही है, अट्रैक्टिव है। मतलब दिल खुश हो गया अंदर जैसे ही कदम रखा, वैसे ही अच्छा लगा। तो हमने सोचा आज बर्थडे है तो कुछ नई जगह घूम के आते हैं, तो आज यहाँ पर आ गए। काफी अच्छा पूरा एक्सप्लोर करेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे दरबारी खास। चलिए बने फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देख रहे हैं मेन्यू कार्ड और देखिए क्या क्या इसमें से पसंद आता है, वो चीज़ें यहाँ से हम खरीद लेंगे। तो गाइस अभी हमने सब ऑर्डर भाई अपना दे दिया है, और हमने तंदूरी रोटी और हमने जो कोकुम्बर रायता जो कि खीरे का रायता होता है, और चिकन आदित्य के लिए हैं, चिकन खाएगा, और यही चीज़ें हमने की हैं ऑर्डर। और हाँ पनीर, तो ये सारी चीज़ें अभी आ जाएंगी तो आपको दिखाएंगे। ये भैया देखिए हमारे सामने प्लेट रख गया, प्लेट इतनी ज़्यादा भारी है, इतना भारी खाना नहीं होगा। और भाई देखो एक खास बात है, इनके प्लेट में भी इनका टैग लगा हुआ है, इनका दरबारे खास का, तभी का यहाँ का प्राइस है जो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी है। आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पर, देखो VIP तरीके से इन लोगों ने क्रिएट किया है इसको, काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। और मैं यही चाहूँगी कि मैं दोबारा यहाँ पर जल्दी आ पाऊँ। आदित्य देखिए यहाँ पर बैठ चुका है, आदित्य कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, शांति का माहौल है। अरे वाह, शिखा बैठी है, शिखा कैसा लग रहा है? शिखा बैठी नहीं है, शिखा खड़ी हो गई। शिखा कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एक्सपेंसिव जगह तो अच्छा तो लगेगा। हाँ सही बात है बिल्कुल भी। तो भाई खाने का इंतजार बहुत बेसब्री के साथ चल रहा है, हम खाली चम्मच ऐसे चला चला के देख ले रहे हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो अभी हमारा देखिए खाना आ चुका है, ये देखिए तंदूरी रोटी, ये हमारा पनीर है, ये हमारा रायता है, ये देखिए सारी चीजें हमारी आ चुकी हैं। तो भाई देख सकते हो आदित्य भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है खाने। अरे अरे दूर। तो भाई खाना आ चुका है फाइनली, तो यहाँ पर पनीर देखिए, हम पनीर की सब्जी कर रहे हैं, ये हमारा रायता है, ये चटनी है, और ये है सिरका वाला प्याज। ठीक है, तो अभी सभी चीज खाएंगे, अभी हम पूरी थाली लगा लेते हैं फिर देखते हैं। तो देखो भाई थाली रेडी हो चुकी है, ये देखिए आदित्य खूब मजे में खा रहा है, शिखा भी खूब मजे में खा रही है, क्यों? तो देखिए हमारे इतनी सारा भाई खाना लग चुका है, काफी मजा आएगा। तो गाइस अभी हमने यहाँ पे एक रोटी खाई है, मतलब काफी अच्छा टेस्ट है, सारी चीजें मतलब परफेक्ट है इनमें, मतलब कोई भी कमी नहीं लगी मुझे। और शिखा भी बताएगी आपको भी कि कैसी लगी, और क्योंकि मुझे तो काफी अच्छा लगा, सारी चीजें बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप लोग आएंगे कभी तो आपको भी काफी पसंद आएगा, एक बार आप लोग विजिट जरूर करें। तो भाई देखो शिखा देखो कितनी खुश है खाना खाने में, आप सोचते होंगे पीछे कहीं जा रही है, रास्ता तो ऐसा नहीं, पोस्टर है देख सकते ये लग रहा है ना अंदर को जा रही है, लग रहा है पूरी है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है, पर ठीक है बिल्कुल, ये पता 3D टाइप में बना हुआ है इसीलिए लग रहा है। और हाँ ये पूछने की थी खाने को भैया कॉम्प्लीमेंट दे देते क्योंकि बहुत अच्छा है, वैसे भी कोई देने की बड़ी बात नहीं, देखो इनका तो मुंह ही नहीं रुका। कैसा लग रहा है? पनीर बता रही हूँ, अच्छा तो है, मैंने खा तो लिया है बहुत, यहाँ तो सभी चीज सही है, अच्छी है सारी चीजें, मसाला एकदम फिट है, ज्यादा है नहीं किसी में, खा लेते हैं फिर मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए ये भैया हाथ धोने के लिए यहाँ पे पानी लेके आए थे, देखिए ये देखिए हाथ धोने के लिए यहीं पे ये पानी ले आते, नींबू डाल के, और देखो अभी तो देखो अभी तक खा रहा है, देखो देखो देखो, अरे वाह बेटा देखो कैसे इसके चावल अभी खाए जा रहे हैं, देख लो आप लोग देखो कैसे एक रोटी बच गई हमारी थोड़ा सा। तो गाइस अभी हम लोग खा पी के बाद फ्री हो चुके हैं, अब हमने मंगाई है चाय। तो फ्रेंड्स ये देखो हमारी चाय आ चुकी है, ये देखिए ये देखिए भाई बहुत बढ़िया, देखते हैं अभी टेस्ट करके कैसी चाय लगती है हमें, देख तो भाई पीने के लिए रेडी है? हाँ। पी के बता चल कैसा स्वाद है जल्दी से। अच्छी है, अच्छी बात, तुम ट्राई करके देखो जरूर। चलो चलिए गाइस चाय को टेस्ट करते हैं कैसी लग रही है चाय, ये देखिए सिखा कितने मजे में पी रही है, रोती हूँ क्या चाय सही है? हाँ पर हाँ ये मतलब कुछ चीजें लोग सही बताते हैं, थोड़ी सी पत्ती तेज है, आप लोग कहीं बड़ी जगह जाओ तो जरूरी मतलब थोड़ी सी शुगर होती है वो लोग कम ही रखते हैं। हाँ क्योंकि हर रोग होता है किसी किसी, कोई ज्यादा मीठा पीता कोई नहीं, तो वो मिनिमम है उसमें। हाँ तो बस फटाफट चाय पीते हैं। हम लोग
खा पी के बाहर निकल आए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं इधर फोटो शूट करेंगे और आप लोगों को मैंने सब कुछ दिखाया। बाकी चलते हैं आगे की साइड। तो यहाँ पर देखो भाई, अभी हम फोटो खींचेंगे। ये देखिए सिखा है, ये देखिए कहाँ गई सिखा, इधर आ जा। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर टेबल वगैरह पड़ी हुई है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, बातें गपशप कर सकते हो। फुलवारी देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया है, बैक साइड में काफ़ी अच्छा है फोटो शूट का। तो अब लोग हम लोग खा पी के तो फ्री हो गए, बिल्कुल रील्स बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, चलिए धमाल मचाएंगे। फ्रेंड्स हमने सब कुछ खा पी लिया भाई, रील्स वगैरह बना ली, फोटो भी खींच लिए, सब कुछ हो गया हमारा। और चलते हैं घर की साइड और देखते घर पे क्या लेके चलते हैं और वो सबको खिला देंगे। बाकी हमारा बर्थडे आज सेलिब्रेट हो जाएगा काफी बढ़िया तरीके से, और कुछ करना नहीं है। देखिए बर्थडे पे क्या है, कुछ खास जगह आज घूम लिए, और यहाँ पर हम लोग आज से पहले आए भी नहीं थे, है ना, फर्स्ट टाइम है हमारा। कैसा लगा अंदर? अच्छा, बहुत अच्छा था। तो चलिए अभी चलते हैं। कमी थी हमारी रील्स, अच्छी नहीं बनी, रील्स अच्छी नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। तो अच्छी आ रही है? नहीं आई है, ज्यादा अच्छी नहीं आई मेरी, जिस हिसाब से मुझे पसंद आनी चाहिए उस हिसाब से नहीं आई है। तो चलिए अभी हम चलते हैं घर के लिए, और जो भी खरीदेंगे वो घर के लिए लेके चलेंगे, सबको खिलाएंगे, वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, चलो चलो चलो। घर पे आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जलेबी लेके आए हैं, यहाँ पर देखिए ये समोसे लेके आया। तो बस ये चीजें हम लेके आए, अभी घर वाले हैं नहीं, पता नहीं गीतों में गए हैं, शादी होने वाली है किसी भैया की, तो उनके घर पे गए हैं। किसी भैया की? विक्की भैया की। हाँ, जैसे ये तो ऐसे कह रही है, सब जानते हैं। तो देखो उनसे बचिंग पड़ती है, जान जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें हम लेके आ चुके हैं, अभी चाय बनाएंगे और इन लोगों को खिला देंगे भाई, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बस यही होता है, शुद्ध नाश्ता शुद्ध पार्टी, सही है। तो चलिए कपड़े चेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितनी देर में ये लोग आते हैं। और पास में रामायण हो रही, सब बच्चे वहां पे गए हुए हैं, तो घर पूरा खाली पड़ा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सुनसान है। तो चलिए पहले कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद जब सब लोग आ जाते हैं तभी आपसे मिलते हैं। गाइस देख सकते हो हमने जलेबी निकाल के रख दी, अभी इनको ले जाएंगे, सबको खिलाएंगे भाई। अभी बने रहो आप लोग ब्लॉग में, आप लोगों का मन होता हो तो जल्दी से आ जाओ, खा लो जलेबी को भाई, बिल्कुल देखो रसीली जलेबी है, ठीक है। आ जाओ जल्दी जल्दी सबको जिसको खानी है। तो गाइस देखिए मैं कप साफ कर रही हूँ और हमारी यहाँ पे चाय बन चुकी है, तो अब मैं चाय को अभी करूंगी इन कप में। तो फटाफट जल्दी जल्दी मैं थोड़ा एक कप को साफ कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी इनमें धूल आ जाती है, तो थोड़ा सा इनको साफ करते हैं, फिर इनमें चाय लेके चलते हैं। और बाहर जो जो लोग बैठे हैं जो अभी उपलब्ध है उनको सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे, समोसे रहे हैं वो भी खिलाएंगे। तो चलिए पहले मैं इसमें चाय कर लेती, ठीक है। तो भाई देखो चाय यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है, चाय करी जा रही है, अभी मैं सबको चाय दे दूंगी, जल्दी जल्दी करो। तो गाइस चाय रेडी हो चुकी है, चलिए चाय लेके जल्दी, उससे पहले मैं समोसे कर लाऊं एक प्लेट में। तो चलिए पहले समोसे करने चलते हैं, ठीक है, चाय को तब तक यहीं पे रख देते हैं। देख सकते हो सिखा देगी कूड़ा बटोर रही है, वाह वाह वाह, वेरी गुड, लगी रहा सफाई कर्मचारी। तो भाई देखो मैं समोसे कर ले रही हूँ, बिल्कुल हम लोग गरम गरम समोसे लेके आए थे और इन लोगों ने बहुत लेट कर दिया, ये लोग बहुत लेट हो गए आने में, तो तब तक थोड़े थोड़े ठंडे हो गए, पर इनके आलू अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होंगे। तो चलिए फटाफट से ये समोसे लेके चलते हैं, चाय लेके चलते हैं और चलते हैं सबको खिलाने। तो चलिए फटाफट रेडी होते हैं, और मेरी बर्थडे पार्टी हर साल कुछ इसी तरीके से इसी अंदाज में मनाई जाती है। तो उतरती हूँ यहाँ से और ये प्लेट लेके बाहर चलती हूँ, चलो। तो गाइस अब मैंने देखिए चाय के ऊपर ही समोसे रखी है, चलो भाई बाहर चलो, चलते हैं फटाफट से सबको चाय एंड समोसे खिलाते हैं, चलो यो यो। छोड़िए जी गाना, अभी सभी लोग कर रहे हैं पार्टी, तुझे नहीं खाना, तुझे नहीं खाना, चाय देख लो, अरे गजब, देखो खा खा के आ रहा है, तब भी दोबारा कितनी मजे से खा रहा है, ये देखो
मतलब कितना भी अच्छा अच्छा खिला दो इन लोगों को, रास ही नहीं आता है। तुम्हें आता है रास? हमें बहुत रास आता है। चाय पी लेने दो। बाकी तो चाय ऐसी देर को गले में पत्ती पत्ती लग रही थी। मां बताए ज्यादा शुगर नहीं थी इसीलिए। वैसे बहुत इसमें है शुगर, ये सही है, है पर इसमें मिल्क कम है, उधर मिल्क ज्यादा था। तो क्या हुआ, चलो थोड़ी सी हम भी पी लेते हैं, हमारा वैसे मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा चाय लेते हैं पी लेते हैं। चलो भैया बढ़िया है, चलिए कि मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। सिखा दी कैसे, मेरी मेरी उसकी तरह बैठी बाई की नहीं, हमारे मेहमान बैठे इसलिए हम बैठे हैं, ऐसी बातें सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं बस। तो चाय गाँव में ऐसी बैठे हुए सोफा कुर्सी पे तो बैठेंगे नहीं। अभी अंशिका रह गई, बच्चे रह गए, क्यों सब बच्चे अभी रह गए, वो है नहीं घर पे इसीलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ समोसे रह गए हैं जो कि हमारे अर्पित और अंशिका जी। दीदी हाँ लो आपका गिफ्ट है। अरे गिफ्ट की क्या जरूरत थी, कोई बात नहीं सिस्टर का तो बर्थडे में चलता है। तो भाई देखो ये बिना गिफ्ट के कभी पार्टी नहीं लेती, इतनी देर से आ नहीं रही थी कि समोसा नहीं खाऊंगी जलेबी नहीं खाऊंगी, अब ये गिफ्ट लेके आई है, अभी इसको खोल के देखेंगे क्या निकलता है। ठीक है क्या लाइए, अब आप खोल के देखना क्या, खोल के देखूं। हाँ तो देखिए अंशिका मुझे गिफ्ट लेके आई है, अभी मैं इसे खोल के दिखाऊंगी। और अंशिका इतनी देर से आ ही नहीं रही थी कि हाँ मैं गिफ्ट नहीं दूंगी तब तक मैं पार्टी नहीं लूंगी, तो अपनी मम्मी से जिद कर करके पैसे लेके गई, तो ये मुझे गिफ्ट लेके आई है। चलिए अभी खोलेंगे, पहले इनको चाय नाश्ता कराते हैं। ठीक है तो अंशिका का चाय नाश्ता रेडी है भाई, जल्दी से उठा रहे अपने हिस्से का, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं, मुझसे मत कहना। ठीक है जल्दी उठाओ जल्दी, चलो बाहर चल रहे हैं और इनका गिफ्ट उठा के लेके चल रहे हैं। ठीक है देखो अब मैं खोलूंगी। तो देखिए अंशिका ने जो गिफ्ट दिया है, हम उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले। ये देखिए नाश्ता करने बैठ गए, आई नहीं, जब तक गिफ्ट नहीं देगी तब तक आएगी नहीं। तो चलिए फटाफट से खोल के देखते हैं आखिर इसमें क्या को? और देखिए यहाँ से ये खोलने वाला है, जल्दी जल्दी खोलो फटाफट, गिफ्ट खोले, गिफ्ट देगी तू, राटे काटेगी तू, फाड़ दो पन्नी को भाई, क्या निकलता है इसके अंदर देखती हूँ मैं अभी। है डबल में, डबल में क्या निकला है, सीन मिला ये लग रहा है। हाँ कुछ कुछ, अरे वाह सीनरी देख सकते हो, ये अपने रूम में, ये अपने रूम में। हाँ मैं इसको अपने ऐसे कपड़ों पे चिपका के घूमूंगी। ठीक है देखिए इसका गिफ्ट है, शकल दिखाओ सामने से, शर्म लग रही है। देखो भाई समोसे खा लो भैया समोसा, गिफ्ट देने के लिए वेलकम रख लो। तो देखिए कैसे धौस से हमें गिफ्ट दिए जा रहे हैं कि वेलकम रख लो। तो देखिए काफी अच्छी लग रही सीन भी, ये अपने पास ऐसी कांच थोड़ा सा टूटा हुआ ऐसा है क्योंकि अंदर से उसने देखा नहीं है। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि अंशिका ने मुझे गिफ्ट दिया। तो बस अब दोस्तों इस ब्लॉग को हम लोग करते हैं फिर लास्ट, क्योंकि आज का ब्लॉग हो गया काफी लंबा और मतलब आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा आज के ब्लॉग में, काफी मजा आया होगा आपको, क्योंकि मैं आपको आज एक नई जगह ले गई थी दिखाने के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग, और आप लोगों ने मुझे अगर बर्थडे विश नहीं किया तो जल्दी से विश करो, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अंशिका जी पेट भर के खा रहे हैं, कुछ बच्चे रह गए जिनको हम पार्टी नहीं दे पाए, वो भी घर से बाहर है, तो वो पता नहीं कब आएंगे, उनको तो दिखा नहीं पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।